बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, पहली बार दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो भारत सरकार की योजना है उस योजना के तहत पहली बार ट्रेन दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रुकी है। ये देखिए वातानुकूलित 3 टायर है, जो भारत गौरव टूरिज्म यानी कि पर्यटक स्पेशल ट्रेन है, जो कि सफदरगंज दिल्ली से खुली है और वापस 4 धाम की यात्रा करने के बाद वापस वो दिल्ली लौटेगी। पहली बार आशा विश्वास धार्मिक परंपरा के अनुसार यात्रियों के लिए भारत सरकार ने जो योजना प्रारंभ की है, और यहां तक बता दें सारथी गार्ड भी हर एक बॉगी में रखा गया है ताकि ये लोग इन लोगों के अंदर की सुरक्षा कर सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कहाँ आप लोग? जयपुर झोटवाड़ा से आए हम। अच्छा, राजस्थान। कहाँ से ट्रेन पकड़े आप? ट्रेन हमने दिल्ली से लिया। अच्छा, कहाँ कहाँ भी घूम चुके आप लोग? अभी हम अयोध्या घूम के आए हैं, राम जन्म भूमि हनुमानगढ़ी ये दर्शन करके आए हैं। सरयू आरती हो गया, और अब आगे जब जा रहे थे तो वो थोड़ा सा ट्रेन का रूट चेंज हुआ है, तो अब सीधे जनकपुर की तरफ जा रहे हैं। कितने धाम हो चुके हैं अभी तक आपके? बस एक धाम। कितने दिन का यात्रा है ये? 18 दिन का यात्रा है। कैसा लगा आपको? 18 दिन का बहुत अच्छी सरकार की योजना, कैसा लगा? ये बहुत अच्छी योजना है, फर्स्ट क्लास, और खूब पूरी मतलब हर तरीके से बढ़िया चीज है एकदम। खाना भी बहुत अच्छा है, रहने सोने की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। पहली बार इस तरह व्यवस्था की गई, ये पहला है ये तो, लेकिन पहला अनुभव बहुत ही बढ़िया अनुभव है, और हर तरीके की फैसिलिटी दी जा रही है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। कितना पैसा लग रहा है एक एक के अंदर में? जो है 63,000 रुपए लगभग एक टिकट का। 63,000? हाँ, एक टिकट। कहाँ कहाँ आप लोग जितने घूमना है कहाँ कहाँ घुमाया जाएगा इसके अंदर में? 18 दिन का पूरा टूर रहेगा। 18 दिन का? हाँ। अच्छा, जिसके अंदर जो है दिल्ली से ये रवाना है, और जो क्या नाम से खाना पीना नाश्ता सब इसी के अंदर में आएगा। अच्छा, अब पहल जो है इसका पड़ाव था अयोध्या के लिए। अच्छा, अयोध्या से ले जो है आप आज जो है वहाँ जा रही है जनकपुर। अच्छा, जनकपुर के बाद में ये सीतामढ़ी वगैरह आएगी, वाराणसी वगैरह आएगी, और फिर जो है क्या नाम की जो है वहाँ से इलाहाबाद वगैरह जाएगी, और रामेश्वर नासिक भी जाएगी। इलाहाबाद के बाद चित्रकूट, चित्रकूट के बाद नासिक, नासिक में जहाँ हनुमान जी का जन्म स्थल है वहाँ भी जाएगी, उसके बाद रामेश्वर, फिर भद्राचलम, फिर साउथ में 2 जगह जाएगी। अच्छा, ये जो योजना है उस योजना को क्या रूप दिया गया है, और इससे कितने सेटिस्फाइड होंगे जो लोग जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए विशेष दिया गया था? हाँ, हम लोग भी सीनियर सिटीजन है, मैं भोपाल से हूँ, ये सबके लिए अच्छा है, घुमाने के लिए सबको आस्था के वजह से घुमा रहे हैं। एक जगह धाम में कितने दिन रुका जाता है कितने धाम जैसे आपने रुका था? नाइट में ट्रेन स्टे होता है, उसके बाद दिन में होटल में ले जाते हैं, फ्रेश करने के होने के बाद वहाँ पर जो दर्शन वगैरह कराते हैं वो होता है, और गाड़ी में ही लंच डिनर ब्रेकफास्ट, हाई क्लास ब्रेकफास्ट है, सब कुछ जितना भी जिसको लेना है उतना ले। छोटे वाहन शुरू कर दिए जाते हैं, होटल में रुकना होता है, स्टेशन जहाँ है वहाँ तक तो स्टेशन में पहुँचाते हैं, फिर उसके बाद में छोटी गाड़ियों के द्वारा ये अपने आप व्यवस्था करते हैं, लोकल कन्वेंस जैसा भी मिलता है उसके हिसाब से हमें शिफ्ट करते हैं। और इसमें व्हीलचेयर्स का भी अरेंजमेंट है, अगर कोई हैंडीकैप्ड है, दरभंगा हैंडीकैप कहिए या दिव्यांगजन है, उनके लिए व्हीलचेयर भी हर कोच के लिए, अगर किसी कोच में एक से ज़्यादा भी हों तो उनके लिए व्हीलचेयर अरेंजमेंट्स हैं, व्हीलचेयर के कारण से एक्सेसिबिलिटी काफ़ी इजी है। और बाकी अयोध्या का तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा जब 2 साल तक पूरा डेवलप होगा। कर्मचारी हैं रेलवे के 100 कर्मचारी साथ में जा रहे हैं, जो कि पूरे यात्रियों की देख रेख करते हैं, सुरक्षा गार्ड सब, पूरा सुरक्षा गार्ड सब है अपनी रेगुलर दवाइयां, और इसके पेंटी कार देखने लायक है, बहुत अच्छा है, और डेली खाना बदल के दे रहे हैं, नए हिसाब से ब्रेकफास्ट भी चेंज कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो चले हमें एक बार आपको अंदर का भी दिखाते हैं किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर, जो महिलाएं हैं वो, ये देखिए भारत सरकार की एक योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है जिससे सभी खुश हैं। ये सभी जा रहे हैं, ये जो ट्रेन है ये आपको कहाँ जा रहे हैं आप? भारत का तीर्थाटन जनकपुर जा रहे हैं इस समय जो है हम लोग। हाँ, जनकपुर में ही जो है आज का नाइट हॉल्ट होगा, कल वहाँ से जो है जनकपुर से जो है हम लोग सीतामढ़ी आएंगे, सीतामढ़ी से फिर आगे जो है बक्सर होते हुए 18 दिन की ये टूर यात्रा है पूरी जो है, और ये 8 जुलाई 21 जून को ये
सफदरजंग नई दिल्ली से स्टार्ट हुई थी, अभी हम लोग अयोध्या के दर्शन करके आ रहे हैं राम जन्मभूमि के, और ये 8 जुलाई को पुनः जो है सभी जहाँ जहाँ से रामचंद्र जी गए हैं वनवास के लिए वो सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन कराते हुए 8 जुलाई को पुनः वापस जो है सफदरजंग स्टेशन पहुँचेंगे। तो ये क्या लग रहा है योजना सरकार की? बहुत अच्छी योजना है और बहुत अच्छी सुविधा है गवर्नमेंट की इसमें, और बहुत अच्छा जो है उन्होंने जो है ये यात्रा निकाली है जिसमें कि बुजुर्ग लोग वगैरह जो है जो पूरे तीर्थ स्थल एक बार में नहीं जा सकते थे, इस ट्रेन की यात्रा से जो है वो हर जगह आराम सुविधाजनक यात्रा कर सकते हैं। तो हम बता दें सरकार की रामायण सर्किट योजना है, और इस योजना के तहत देखिए कितने जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो कभी भी नहीं जा सकते हैं उनको सरकार ने इस योजना के तहत 18 दिनों का, आप पहली बार आप लोग गए हैं? हाँ, पहली बार निकली हैं आप? हाँ जी। तो कैसा महसूस किया आप? एक अच्छा, धाम देख चुके हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हमने। वहाँ दर्शन भी अंदर कराने की व्यवस्था की जाती है? व्यवस्था भी अंदर अच्छी है, खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, ट्रेन में सब कुछ बहुत अच्छा है, जरूरत से ज़्यादा मिल रहा है हमें खाने पीने को भी और देखने को भी, और हर तरह की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। तो क्या कहें, कोई ऐसी बात भी है जिससे सरकार को एक बार फिर से इसमें और कुछ जोड़ना ऐड करने, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकली महसूस कर रहे हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है नहीं हो रहा, तो क्या सरकार को कुछ ऐड करने की आवश्यकता है? नहीं नहीं, इम्प्रूवमेंट तो खैर हमेशा रहता है, ऐसा करके इम्प्रूवमेंट का चांस हमेशा ही रहता है, और शायद मेरे को लगता है अभी दूसरे है और आगे जैसे बढ़ेगी तो सरकार ने जैसे अपना रेल मिनिस्टर भी है उनने भी कहा कि हम इसमें इम्प्रूव करते रहेंगे जैसे जैसा अनुभव होता होगा जैसा ऐसा करेंगे। और दूसरा क्या कि जगह विशेषकर जगह अलग अलग तरह का खाना मिलता है, अलग अलग तरह का स्वाद रहता है, कहीं तीखा ज़्यादा होता है कहीं मीठा ज़्यादा होता है, उसमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, खाने की क्वालिटी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि जिसको बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग पसंद कर सकें ताकि सब अच्छा रहे। बाकी अच्छा, अभी 4 दिन बंद का हुआ, आप लोगों को सफ़र करना पड़ा होगा? नहीं नहीं, इस बारे में कुछ हमारे में यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में बहुत अच्छा है, स्कॉट स्टाफ भी है, पुलिस फोर्स भी है, बाद में भी रेलवे का भी पुलिस है और बाहर अदर वो भी है, अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो चले हम बता दें कि ये रामायण सर्किट योजना, और हम आपको दिखा दें, देखिए पूरी तरह यहाँ से सभी जो सीनियर सिटीजन हैं सभी बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं, यही जिंदगी का आनंद है कि अगर सरकार आपको पूरी व्यवस्था के साथ सुरक्षा के साथ खान पीन के साथ अगर 4 धाम का दर्शन करा रही है, और वो भी इस तरह जो कभी आपने अनुभव नहीं किया होगा। ये लोग हैं देखिए कितनी लोग आनंद के साथ रह रहे हैं और जा रहे हैं, जैसे एक घरेलू वातावरण में सब एक दूसरे के साथ मिलते बात करते हुए। ये रामायण सर्किट योजना निश्चित तौर पर भारत सरकार की जो योजना है सुरक्षा के साथ धर्म स्थल तक पहुंचाना है। कौन सी ट्रेन है और कहां से आए हैं आप? ये हम तो राजस्थान जयपुर से आए हैं। अच्छा, हाँ जी, तो मेरा नाम रेखा कुमावत है, और ये ट्रेन में हमको अच्छा मिल रहा है, सब कुछ खाना पीना सब कुछ अच्छा है, और सब अच्छे से रह रहे हैं यहाँ भी, और आगे जहाँ भी जा रहे हैं तो सब सुविधा इनकी है। आगे जो हमको खाना पीना जो मिल रहा है वो भी अच्छा मिल रहा है। तो किस यात्रा पर निकले हैं और कौन कौन सी यात्रा अभी तक हो चुकी है? राम जी की यात्रा है, राम सीता जी की, और हमें यहाँ अयोध्या में भी हमने देखा, राम दरबार भी देखा है, सीता हनुमानगढ़ी भी देखी है, वहाँ भरत मिलाप भी देखा, हनुमान भरत का मिलाप भी देखा है, और फिर वहाँ पर सरयू नदी पर हमने वहाँ पर शाम की आरती भी की है, फिर देवई वहाँ पर है धर्मशाला, वहाँ पर हमको खाना वाना अच्छा मिला वहाँ पे, और वहाँ पे भी सबका मतलब डांस प्रोग्राम उनका जो हो रहा था वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। अब कहाँ जा रहे हैं? अभी कहाँ? अब हम यहाँ से जनकपुर, जनकपुर उसके बाद कहाँ कहाँ का ये कुछ चाट मिला भी है? हाँ, चाट मिल गया हमको, अभी बस वो चाट ही पढ़ रहे थे हम लोग अभी। क्या क्या है उसमें, क्या क्या मिला? अभी पढ़ा नहीं, कम्प्लीट पढ़ रहे हैं अभी तो। अच्छा, इसके लिए कोई आई कार्ड भी मिला होगा? हाँ, हमको आई कार्ड मिला है ना, भी दिया है, आई कार्ड भी दिया है, और जहाँ जहाँ से रामचंद्र जी जाएंगे, दो अम्ब्रेला मिला है, उस तरीके से जो है वहाँ वहाँ से जो है सब कुछ कर रहे हैं। ये हमको कैप लगाने के लिए बोला है कि हम बाहर निकलो तो कैप लगा के रहना, दो अम्ब्रेला भी मिला हमको, बारिश के लिए अम्ब्रेला भी दिया है इन लोगों ने अपनी सुविधा का। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़ पर, YouTube में भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रहेंगे अपडेट।